ड्राई रोस्टेड है इनका, ये देखिए आप, चिकन ककड़ी, ये देखिए साइज काफी अच्छा है। और मसाला डाला है, देखते हैं क्या टेस्ट है। ये सारी धनिया रोटी, ये देखिए आप, ये बफेले का होता है, ये इसकी बोटी है, आप देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, और ये इसकी ग्रेवी है, ये इसको इधर इसके बनाते हैं इसका, ये हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। लखनऊ में हूँ, नज़ाकती नफासती शहर में हूँ, लखनऊ के हुसैनाबाद से गुजर रहा था तो नज़र पड़ी मुलाकात पे, सोचा कि आपकी भी मुलाकात से करवा दें। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या स्पेशल ये दे रहे हैं। मेरे साथ आइए मुलाकात पे। बाहर कभी भी नजर आएगा आपको, और यहाँ ये दोस्तों अभी हमने इनके दो बारबेक्यू आइटम मंगाए, इसके अलावा ग्रेवी के आइटम भी अभी रेडी हो रहे हैं, वो आए नहीं है तो हमने कहा ये ट्राई करके आपको बता देते हैं। ये तो मलाई रोस्टेड है इनका, ये देखिए आप, ये हाफ पोर्शन होता है, एक इसमें ब्रेस्ट पीस है और एक इसमें ये चेस्ट पीस है, ऊपर से इन्होंने क्रीम और कुछ मसाला डाल के दिया है, और एक ये इनकी चिकन टंगड़ी, ये देखिए साइज काफ़ी अच्छा है, चिकन का साइज अच्छा होता है तो उसका जायका भी अच्छा होता है, खाकर आपको बता देते हैं। ये देखिए आप, ओए दोस्तों बहुत बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल इशारे में टूट गया है, अच्छे से कूके, और ये हरी चटनी दी है, लेकिन मैं इसको पहले आपको बिना चटनी के खा के बता देता हूँ। बहुत अच्छा है दोस्तों, मसाले बहुत ही अच्छे लगे हुए हैं, चटनी की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर से जो मसाला इन्होंने डाल के दिया था उसका फ्लेवर आ रहा है, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया है। ये चिकन इनका बहुत अच्छे से कुक है, चिकन टंगड़ी जो रोस्ट किया उन्होंने धीमी आंच पे, कोयलों की धीमी धीमी आंच पे सेका है, उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग लखनऊ में एक डिफरेंट जगह पर डिफरेंट जायके का कुछ खाना चाहते हैं, मुलाकात पे आइए और इनसे मुलाकात कीजिए और इनका ये चिकन टंगड़ी रोस्टेड खाइए, ज़बरदस्त है। ये इनका मलाई रोस्टेड है, ये भी आपको ट्राई करके बता देते हैं। देखिए आप, मुझे एक खास बात यहाँ ये नज़र आ रही है कि
बहुत सॉफ्ट है, इन्होंने गलावट के लिए इसमें कुछ मिलाया या क्या जिसकी वजह से बहुत आसानी से ये टूट रहा है। तो इसका मतलब कि पका हुआ अच्छे से है, क्रीम और मसाला डाला है, देखते हैं क्या टेस्ट है। दोस्तों बहुत ही अच्छा है, एक ही जो ऊपर से ये मसाला डाला है, ये इनका मसाला बहुत ही अच्छा है, उसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही एनहेंस हो रहा है, रोस्टेड और फुल स्मोकी फ्लेवर है, क्योंकि धीमी आंच पर कोयलों पे इसको सेका है तो स्मोकी फ्लेवर भी आ रहा है। मुझे तो दोस्तों इनका रोस्टेड बहुत अच्छा लगा है, आप लोग भी एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। लखनऊ के मशहूर जायके तो आपने बहुत चखे, एक ही नई जगह पर एक नए जायके को भी टेस्ट करिएगा और हमको बताइएगा। ये दोस्तों चिकन कौरमा, ये यहाँ हम इनके ओनर से मिले, उन्होंने कहा हमारा चिकन कौरमा भी बहुत स्पेशल आता है तो हमने इनका एक चिकन कौरमा भी मंगाया है। ये देखिए आप लेग पीस है और इसमें ये देखिए ये पीसेज हैं और इसकी ग्रेवी देखें आप, ये देखें देखने में अच्छा लग रहा है, खाकर भी देख लेते हैं क्या टेस्ट है। ये इसको इधर निकाल लेते हैं और ये इसकी ग्रेवी है और साथ में दिए ये रुमाली रोटी, इस रोटी से इसको खाते हैं। ये देखें आप चिकन का साइज इसका थोड़ा बड़ा है और रोस्टेड में थोड़ा छोटा था, रोस्टेड में बारबेक्यू में थोड़ा छोटा साइज देते हैं ताकि वो अंदर तक कुक हो जाए। ये भी ठीक से पका हुआ लग रहा है, एक बाइट बनाते हैं इसका ये ग्रेवी के साथ। ये देखें आप कौरमे का टेस्ट दोस्तों बिल्कुल डिफरेंट है, मुझे थोड़ा ये एवरेज लग रहा है तो इसकी रेटिंग जो है 10.7 दूंगा, लेकिन ये क्योंकि हर जगह का अपना अलग टेस्ट होता है, हर जगह बनाने वाले अलग होते हैं और हर इंसान का हर आदमी का जबान का जायका भी अलग होता है। इन्होंने इसको अपने टेस्ट में बनाया है, अपने हिसाब से बनाया है और हम लोग जो खाते हैं वो डिफरेंट होता है, तो एक नए तरह की चीज़ें नया जायका है। अगर आपको नए जायके लेने का शौक है तो आके आप इनका ये फॉर्मा ट्राई करिएगा और हमको बताइएगा कि आपको कैसा लगा। शुक्रिया दोस्तों। मेहनत कर रहे हैं ना, क्योंकि आप एक बोल चीज देते हैं, आप क्या बात है, जबरदस्त। स्पेशली हम लोग यहाँ पर इनके ये कड़ाव गोश्त के लिए आए थे क्योंकि हमने सुना था इनका कड़ाव गोश्त बहुत अच्छा होता है और इसके साथ ये धनिया रोटी दी है, इस कड़ाव गोश्त का इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया धनिया रोटी के साथ। तो दोस्तों ये खाकर आपको बता देते हैं, ऊपर से इन्होंने हरा धनिया हरी मिर्च डाल के दिए और दोस्तों ये देखिए आप, ये बफेले का होता है, ये इसकी बोटी है, आप देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, अच्छे से गली हुई है और ये इसकी ग्रेवी है। एक बाइट बनाकर ये खाते हैं, देखिए डिफरेंट तरीके से बनाया है, डिफरेंट नाम है तो डिफरेंट ही जायका है, बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। एक इसका बाइट और लेकर बताता हूँ मैं, ये देखिए आप बॉडी बहुत अच्छे से गली हुई है, बहुत आसानी से टूट रही है और ये इसकी जो ग्रेवी है बहुत बढ़िया दोस्तों, जबरदस्त। मेरे साथ हैं यासिर भाई जो मुलाकात के ऑनर है, तो इनसे मुलाकात के सफर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो बताइए मुलाकात नाम कैसे रखा आपने? ये हमारे बड़े भाई हैं समर भाई, जी उनके जहन में आया तो उन्होंने रखवाया था ये नाम मुलाकात रखा जाए, काफी तो अच्छा तहजीब का नाम है। तो ये आपकी मुलाकात से मुलाकात है, तो ये बताइए कब से शुरू किया है आपने इसको? हम लोग को तकरीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने हुए, 6 महीने। लखनऊ खानों के लिए मशहूर है, अपने जायकों के लिए मशहूर है, तो आपने नया सेटअप ये शुरू किया है जी। क्या आपने यहाँ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या खास यहाँ दे रहे हैं? क्या यहाँ पे पाकिस्तानी कड़ाव गोश्त है? अच्छा, कड़ाव गोश्त आपने भी टेस्ट किया? जी ये बीफ और मटन दोनों में है हमारे पास। अच्छा और इसके साथ जो इसका असली जायके का मजा आता है ये आपका धनिया रोटी के साथ काफी बढ़िया लगता है। वो अपने धनिया रोटी के साथ ही इनका ट्राई किया था, आपका वो कड़ाव गोश्त हमें अच्छा लगा भी है जी।
आपका खाना बहुत अच्छा था और आपने अच्छी कोशिश की है, एम्बियंस भी अच्छा दिया है, लोग आपके खूब आए और खूब खाएं, आप अच्छा काम करें, अच्छा टेस्ट दें लोगों के, लखनऊ के लोगों को, लखनऊ के बाहर के लोगों को भी। बिल्कुल ये हमारी दुआ है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत टाइम देने के लिए। दोस्तों ये छोटी सी मुलाकात हमने आपकी कराई थी मुलाकात से, एड्रेस और फ़ोन नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। खाना बिल्कुल डिफरेंट है, आप लोग खुद आइए और खुद ट्राई करिए और खाकर हमको बताइएगा आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जगह पर नए जायके के साथ। इजाज़त चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।